हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं दीपक और आपके अपने चैनल डीके राइडर में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने है स्मार्ट एक्स कनेक्ट टीवीएस अपाचे आरटीआर। इसमें आपको क्या नया अपडेट मिल रहा है और ये अपाचे आपको मैं दिखा दूं। यहां पर आप देख सकते हैं आरटीआर 160 है और इसमें आपको जो इसका नॉर्मल मॉडल है उससे इसमें क्या डिफरेंस होने वाला है, तो इसमें आपको डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। तो हम बात करेंगे इस अपाचे आरटीआर 160 2V BS6 2023 मॉडल के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बात करें अगर इसके लुक्स और डिज़ाइन की, तो आप देख सकते हैं कि इसका लुक्स और डिज़ाइन आपको सेम मिलेगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको टेल सेक्शन भी आप देख सकते हैं, मीटर कंट्रोल में भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा, आपको डिजिटल मीटर मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो यहाँ से अगर हम बात करें इस 2023 मॉडल की, तो ये आपको बिल्कुल ही नए अवतार के साथ में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको फुली LED हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको TVS की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। TRL आपको पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत मिलेगी, फुली LED हेडलैम्प सेटअप आपको मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर आपको 4V वाले मिल जाएंगे। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नया कलर आपको देखने को मिलेगा, मैट ग्रे के साथ में येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छी है। साथ में फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। पैनल आप देख सकते हैं आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको कार्बन टेक्सचर के साथ में अपाचे की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सीट कम्फर्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कुशनिंग के साथ में सीट मिल जाएगी और यहाँ पर आपको रेड कलर की स्टिचिंग मिल जाती है। ग्राफिक्स आपको टैंक में भी देखने को मिल जाएगा, फाइबर का पार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतर इसमें भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर पैनल जो है आपको काफ़ी बड़े देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगर TVS का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर के शाइनी ब्लैक यानी आपको पियानो फिनिश ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, स्प्लिट ग्रैब रेल मिलेगी। बैकलाइट की बात करें तो आपको बिल्कुल ही नया बैकलाइट मिल जाएगा जो कि कंपनी क्लेम करती है, 3D के साथ में मिलता है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की लाइट और रिफ्लेक्टर नीचे मिल जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें साइड गार्ड फीमेल फुटरेस्ट भी आपको इंस्टॉल करके मिलेगा। 5-speed गियरबॉक्स सेटअप, TVS रेसिंग की ब्रांडिंग, नीचे आपको इंजन काउल देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काउल देखने को मिल जाएंगे। साथ में फेंडर की बात करें तो फेंडर आप देख सकते हैं बॉडी कलर के साथ में और स्टिकर भी इसमें आपको, जो ग्राफिक्स हैं भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेंगे। टेक्सचर फिनिशिंग के साथ में ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। टायर की बात करें अगर तो इसमें आप देख सकते हैं एक बेहतर क्वालिटी का आपको टायर मिलेगा, TVS टायर, और ये ट्यूबलेस टायर है। इसमें आपको जो साइज मिलेगा आप देख सकते हैं 90-90-17 का टायर मिल जाएगा। अलॉय व्हील में भी आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, TVS रेसिंग की ग्राफिक्स मिल जाएगी। व्हील का पैटर्न आप देख सकते हैं कुछ ऐसा मिलेगा और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। जी हाँ, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सुपर मोटो ABS की ब्रांडिंग मिल जाएगी। तो इस बाइक में आपको अभी सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा। और बात करें अगर हम इसके डायमेंशन की, तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि इस बाइक का डायमेंशन होने वाला है, इस बाइक की हाइट होने वाली है 1105 mm और इसकी जो चौड़ाई है 730 mm। लंबाई की बात कर लें अगर तो इसमें आपको 2085 mm। सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी शॉर्ट राइडर भी इस बाइक को चला सकते हैं, यानी इसमें 790 mm की सीट हाइट मिलने वाली है। व्हील बेस इसमें आपको मिलेगा 1300 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, डुअल डिस्क के साथ में लेते हैं तो इसमें आपको 138 kg मिलने वाला है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 12 लीटर का आपको देखने को मिल जाएगा फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 159.7 cc का एक पावरफुल इंजन आपको देखने को मिलेगा, जिस मैक्स पावर मिलने वाली 16.04 PS 8700 RPM पर, और जो इसका मैक्स टॉर्क मिलने वाला है ये आपको 13.85 Nm का 7000 RPM पर मिल जाएगा। 5-speed गियरबॉक्स सेटअप मिलेगा, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, और यहाँ पर आपको मेन स्टैंड भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसके फुटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको मेटल के फुटरेस्ट मिल जाएंगे, राइडर और पिलियन दोनों ही, लेकिन आपको राइडर में, राइडर जो फुटरेस्ट है इसमें आपको रबर की पैडिंग भी देखने को मिल जाएगी। ओपन चैन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। रियर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 120, 70 और 17 का टायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो टायर है 120 mm का मिल रहा है, मतलब 160 अपाचे में आपको 180 अपाचे का टायर देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर व्हील भी आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा इसमें प्रयोग किया गया है।
और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ से मिल जाएगा, रियर में रिफ्लेक्टर आपको रेड कलर का मिलेगा। और एग्जस्ट की बात करें तो एग्जस्ट आपको बिल्कुल ही नया मिल रहा है, इसमें आपको काफ़ी बदलाव किया गया है और ये बाइक आपको देखने में कुछ ऐसी लगेगी। बात करें अगर इसके मीटर कंट्रोल की तो यहाँ से आप देख सकते हैं फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। मिरर की बात करें तो आपको कुछ ऐसे मिरर मिलने वाले हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं इसके स्विचेस बटन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासिंग लाइट मिल जाएगी, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर, नीचे आपको हॉर्न की स्विच मिल जाएगी, आई बटन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रेड कलर में किल स्विच मिल जाएगी, मोड की बटन और सेल्फ स्टार्ट की बटन देखने को मिल जाएगी। RTR 160 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। बात करें अगर इसके चाबी की तो आप देख सकते हैं इसमें आपको TVS की ब्रांडिंग मिल जाएगी चाबी में, और यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा TVS का। इसे ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबसे पहले ऊपर देखने को मिलेगा इसका RPM, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, हाई अपाचे, एवरेज स्पीड, स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल, ABS, इंजन चेक, और साइड में आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, इस तरह भी आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं RPM लिमिट M और S की बटन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ऑडोमीटर देखने को मिल जाएगा, और मैं आपको यहाँ से ट्रिप ए, ट्रिप बी, लैप टाइमर, एवरेज स्पीड, हाई स्पीड मोड, फीचर आपको बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं रेन मोड है, इसे पुश करेंगे, यहाँ पर आपको अर्बन और स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो फीचर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है मैं आपको बता दूँ, तो ये ऑन रोड प्राइस आपको 150,000 मिल जाएगा। बात करें अगर इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की तो इसका ऑन रोड प्राइस है 150,500 रुपये, और इसमें आपको ऑफ़र भी इस समय अभी देखने को मिल जाएगा। ऑफ़र में आपको इसमें 3100 रुपये की छूट देखने को मिल जाएगी, और ये बाइक आपको उपलब्ध होगी आकांक्षा TVS GT रोड नवाबाग फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ से आप TVS की किसी भी बाइक या स्कूटर और मोपेड को आप परचेज कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको जो टायर है ये आपको 120 mm का देखने को मिल रहा है, 160cc अपाचे यानी स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी के साथ में, और ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ में ये बाइक आपको मिलेगी। इसमें आपको 120 mm का टायर देखने को मिलेगा। अगर आप नॉन ब्लूटूथ के साथ में लेते हैं वहाँ पर आपको 110 mm का वाइड टायर देखने को मिल जाएगा। तो ये बाइक आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।